to a brand new episode of मस्ती की पाठशाला. मैं हूँ उपासना बख्शी. मस्ती की पाठशाला में आज हम आ गए हैं ITM University Sector 23 गुड़गांव. वह यूनिवर्सिटी बड़ी है, इतने सारे कोर्सेज यहाँ पढ़ाए जाते हैं, तो क्या स्टूडेंट्स को मौका मिलता है मौज मस्ती करने का? ये जानने चलिए कॉलेज के अंदर चलते हैं और स्टूडेंट्स खुद जानते हैं कि उनकी पाठशाला है मस्ती की पाठशाला. चलिए. अप्रोक्सीमेटली एक घंटा तो लगता ही है. ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा. The canteen lawns, the best place to hang out with friends. अब मेरे को लगता है कि कॉलेज लाइफ बेटर होती है. अपन की तरह शेड्स पहन के ट्राई करते हैं, कोई सीनियर पड़ जाए शायद. गेम खेलते खेलते गॉसिप भी होती है. मामा ने मुझे बोला था बेटा पढ़ाई कुछ नहीं होती. बदल रही है पढ़ाई की डेफिनेशन और साथ ही साथ क्लासरूम भी. जी हाँ, शायद आपके और हमारे समय में एयर कंडीशनर क्लास नहीं थी. इस तरह जो स्टूडेंट्स हैं वो फॉर्मली ड्रेस होकर नहीं आते थे, किताबें थी, अब लैपटॉप है. तो क्या मस्ती में कमी आई है या फिर टाइम के साथ साथ डेवलपमेंट के साथ साथ मस्ती भी ज्यादा हो रही है? ये जानने अब हम ITM गुड़गांव की क्लास में आ गए हैं. स्टूडेंट से बात करेंगे और जानेंगे कि क्यों ये पाठशाला है मस्ती की पाठशाला. बात करेंगे आपकी कॉलेज की, आपकी यूनिवर्सिटी की. तो यहाँ पर सिर्फ पढ़ते हो या पढ़ाई के साथ साथ मस्ती करने का भी मौका मिलता है? बहुत बहुत मौका मिलता है. कल्चरल प्रोग्राम्स जो यहाँ पर होते हैं बहुत अच्छे होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर कॉलेजेस. और द कैंटीन लॉन्स द बेस्ट प्लेस टू हैंग आउट विद फ्रेंड्स. मैगी स्टेशन जो यहाँ पर है. चलिए, यहाँ पर लॉन्स है, यहाँ पे कैंटीन है, हर जगह हम आपको लेकर जाएंगे. लेकिन सबसे पहले स्टूडेंट से और खासतौर पर लड़कों से पूछेंगे कि स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ में से कौन सी बेटर होती है और क्यों? मैम मेरे को लगता है कि कॉलेज लाइफ बेटर होती है. वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे इतना फ्रीडम है कि हम जब चाहे जब जा सकते हैं. कहीं घूमने जाना हो, हमें मॉल जाना हो या कुछ हमें करना हो, किसी की परमिशन की हमें जरूरत नहीं होती है यहाँ पे. हाँ, थोड़े रूल रेगुलेशंस हैं जिसको हम फॉलो भी करते हैं, उसके साथ साथ मस्ती भी करते हैं हम. बिल्कुल, रूल रेगुलेशंस तो होने भी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ यूनिवर्सिटी की खास बात ये है कि स्टूडेंट्स को मौका फुल ऑन मिलता है मस्ती करने का. लड़कियों के लिए क्या फैशन एक सिंबल बनाने का भी मौका मिलता है यूनिवर्सिटी में? यहाँ पे बहुत ज्यादा हम लोग को फ्रीडम होती है. कुछ स्कूल में तो हमें ड्रेसअप होकर जाते हैं यूनिफॉर्म में, यहाँ पे हम कुछ भी अपनी मर्जी से डाल सकते हैं. क्या बात है. तो ऐसे में लड़कियों को सुबह तैयार होके आने में कितना टाइम लगता है? अप्रोक्सीमेटली एक घंटा तो लगता ही है. ओके, वाह. और एग्जाम से पहले रिविजन करने में वो आधे घंटे हो जाते हैं. क्या बात है, क्या बात है. ये है आज की प्रीटी प्रीटी लड़कियां आज का कॉलेज. अच्छा ये बताओ, ये जो अपने बालों में इधर आओ, हमारे दर्शकों को दिखाओ. ये जो एक दो तीन तीन एप्पल्स, येलो, ग्रीन एंड पिंक, ये भी आपके फैशन की एक स्टेटमेंट है. तो कुछ समय बाद में बाहर जाएंगे तो क्या हमें लड़कियां दिखेंगी इसी तरह के मल्टी कलर बैंड्स? डेफिनेटली, आजकल कलर्स बहुत फैशन में है. ग्लूमी वेदर भी आने वाला है तो डेफिनेटली. क्या बात है. तो ऐसे में अगर हमारे वो दर्शक जो अभी जिनका कॉलेज स्कूल खत्म हुआ है और कॉलेज शुरू होने वाला है, उन्हें अगर कुछ फैशन टिप्स देना चाहो कि यूनिवर्सिटी में जाओ तो किस तरह तैयार होके, तो क्या बोलो? कलर ड्रेसेस पहन के आना चाहिए, नए नए हेयर स्टाइल्स ट्राई करने चाहिए और यूट्यूब पे वीडियोस देखनी चाहिए. यूट्यूब पे वीडियोस देखिए कि भाई अगर आप कॉलेज आ रहे हैं तो कैसे लग सकते हैं आप स्मार्ट, हॉट, ब्यूटीफुल एंड डैशिंग. लड़कों को तो नहीं मौका मिलता ना सब तैयार होके आने का. हम लोग नेचुरल ब्यूटी इतनी अच्छी होती है कि उनको मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती. क्या बात है. तो मैं जब आई थी तो आपके जितने फ्रेंड्स, उन्होंने मुझे कहा था कि आप मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं. यस मैम. जरा हमें भी करके दिखाइए. आज हम लोग की मेजर प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन है, तो जस्ट इमेजिन के नाना पाटेकर प्रेजेंटेशन में फर्स्ट एड हो रखे हैं, तो उनका क्या होगा? अच्छा है, दो साल तक पढ़ाया, दो साल हो गया, मुझे निकलने का दिन आ गया है, लेकिन ये मेरे पीछे पड़े हैं. पैनल बैठेगा, तीन तीन बैठेंगे बैठेंगे मेरा तमाशा देखने के लिए. देखो क्या बोलता है लड़का, पीछे पड़े हुए हैं. इतने में सपोर्ट में साथ में उनके क्लासमेट होते हैं सनी देओल. ऐसा है, बाबा ने मुझे बोला था बेटा पढ़ाई कुछ नहीं होती, एक डिग्री रूम में लगाने के लिए होनी चाहिए ताकि इंसान कामयाब हो सके. और कामयाबी के लिए बहुत कुछ फायदा हो जाएगा इससे, ताकि अगर हमारा फ्यूचर प्रोजेक्ट अच्छा होने वाला है उसके बाद मेरी शादी फिर से हो सकेगी, मेरे बच्चे अच्छे पढ़ सकेंगे. डिग्री का बहुत मैटर करती है. इतने में आवाज आती है हमारे अजय देवगन साहब की, नाना जी.
आपके लिए हम जिंदगी दे सकते हैं, एक बार क्या कर दिखाओ आपकी प्रेजेंटेशन भी दे देंगे, जान दे सकते हैं आपके लिए। इतने सनी डॉल के बाद आते हैं सुनील शेट्टी। नाना भाई हाँ मेरे गुड़गांव में पढ़ते हो, मेरे गुड़गांव में मैं पापा को कह के आपके सिफारिश लगवा सकता हूँ, ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है, प्रेजेंटेशन तो देनी है। प्रेजेंटेशन बता दो कर देना है। वाह, आपने हमें एक साथ एक ही जगह इतने सारे एक्टर्स से मिलने का, उनकी एक्टिंग देखने का मौका मिला, तो अब हम आपको भी एक मौका दे रहे हैं। यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट को रैंडमली आप खड़ा कर सकते हो और वो हमारे लिए डांस करेगा, ठीक है? चलो चलो अब सोच लो किसे खड़ा करना है, किस पे भड़ास उतारनी है। कम ऑन अमन, कि क्लास में कभी भी फ्रेंड्स तो बोलते ही होंगे ना कि अमन एक डांस तो हो जाए। हाँ जी, बहुत बार जब कोई कल्चरल इवेंट होता है तो सब लोग बहुत बोलते हैं। बिल्कुल, और ऐसे ही स्टूडेंट्स की वजह से लगती है क्लास में रौनक, कॉलेज लाइफ बनती है और भी ज्यादा बेहतरीन। दोस्तों ITM यूनिवर्सिटी गुड़गांव में मस्ती का दौर जारी रहेगा, लेकिन अभी समय हुआ एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मस्ती की पाठशाला। स्वागत है मस्ती की पाठशाला में। ITM यूनिवर्सिटी गुड़गांव की कैंटीन में हम आ गए हैं। ज्यादा बड़ी नहीं है लेकिन इसे कैंटीन भी नहीं कहा जा सकता, एक छोटा सा ईटिंग जॉइंट है ना यहाँ पर, जहाँ पर आते हो इस तरह के न्यूट्रिशियस खाना खाते हो और खूब मौज मस्ती करते हो। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप सबकी सेहत का राज यही न्यूट्रिशियस खाना है। बिल्कुल, ये न्यूट्रिशियस खाना और यहाँ पे जो एंजॉयमेंट हम करते हैं। क्या बात है, चलिए अब हम क्योंकि हम कैंटीन में आए हैं और सबसे बात करेंगे कि कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में कैंटीन में किस तरह की मौज मस्ती होती है, किस तरह स्टूडेंट्स जो है वो अपने फुर्सत के पल बिताते हैं और अपनी कॉलेज लाइफ को बोरिंग होने से बचाते हैं, स्टाइल भी मारते हैं। हाँ बिल्कुल मारते हैं, लड़कियों के साथ जाते हैं, छेड़छाड़ी करते हैं उनके साथ, थोड़ी बहुत बातें करते हैं उनसे, कोई नई लड़की दिखती है तो उसके साथ बिल्कुल कोशिश करते हैं उनके साथ गेट टुगेदर के मेरे। क्या बात है, नई लड़की दिखती है तो उसके साथ कोशिश करते हैं, जरा हम एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह की कोशिशें की जाती है। कॉपी करते हैं उनकी तरह, शेड्स पहन के ट्राई करते हैं कोई सीने पड़ जाए शायद। उसके बाद सक्सेस मिलता है कि नहीं? हाँ कभी कभार मिलता है, सक्सेस रेट आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है। अरे क्या बात है, सक्सेस रेट आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है। और अब कैंटीन में कोई ऐसा गेम है जो सब आपस में मिलके खेलते हैं और एक दूसरे की टांग खींचते हैं? ट्रूथ एंड डेयर। आई थिंक ट्रूथ एंड डेयर सबसे इजी गेम है ना, एक टेबल हो, पेन हो, घुमाया और शुरू हो गए। तो हम भी आपके साथ और अपने दर्शकों के साथ ट्रूथ एंड डेयर का एक छोटा सा कॉम्पिटिशन खेलते हैं। यू गाइस रेडी? यस। चलिए तो पेन घुमा दिया जाए, 1 2 3 गो। सो फाइनली द गाय इन शेड्स, द कूल गाय इन शेड्स, इनकी टर्न आ गई है, तो इनसे क्या करवाया जाए? किसी भी लड़की को जाके ऑफर दीजिए, किसी फोर्थ ईयर की लड़की हो या फर्स्ट ईयर। चलो चलो चलो, दो लड़की मेरे सामने हो रही है। हाँ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, हो सकता है कि अगर आप हमें इतना ही मस्का मारोगे तो हम आपकी यूनिवर्सिटी की तारीफ और भी ज्यादा कर दें। तो चलो शुरू। फर्स्ट आई नीड अ फ्लावर। ना लाइए प्लीज। वैसे मेरा नाम है अंकित, पर प्यार से लोग मुझे कहते हैं अंकित कटारिया। विल यू बी माय प्रीटी वुमन? देखो देखो आवाज नहीं निकली आखिरी वर्ड में, लेकिन उसके बाद भी चलो ठीक है, इन्होंने कोशिश इतनी अच्छी की है तो हम भी अब इनकी यूनिवर्सिटी में और भी ज्यादा मौज मस्ती करेंगे और भी ज्यादा
तारीफ इनकी यूनिवर्सिटी की जाएगी। अब भाई दिल्ली आज तक की टीम खासतौर पर गुड़गांव आई है तो यूनिवर्सिटी की मस्ती दोगुनी तो होगी होगी। पेन दोबारा घुमा दिया जाए। जल्दी बताओ इनसे क्या करना है। चलिए अब तीसरी बार अब देखें किसकी बारी आती है। 1 2 3 चलिए इनसे 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 क्या करवाया जाए। ओके तो आप आईटीएम के अक्षय कुमार हो। बेसिकली नॉट अक्षय कुमार बट कैन डू मिमिक्री। लाइक आप प्लीज टू जॉइन मी। ओके अक्षय कुमार इन भूल भुलैया सीन। बेबू लड़की एंड यू से लाइक हे बेबी देयर वाज अ सीन व्हेन ही लाइक व्हेन ही वाज डूइंग एक्टिंग ऑफ बच्चों को हरी हरी सब्जियां खिलाओ और वो हरी हरी पॉटी करेंगे। देन यू से बेबू लड़की बच्चों को हरी हरी सब्जियां खिलाओ हरी हरी पॉटी करेंगे। कोशिश अच्छी थी और वाकई में अगर इस तरह की मस्ती हो इस तरह के दोस्त हो तो कॉलेज का जो समय है वो बोरिंग हो ही नहीं सकता। हमने एक ग्रुप से तो बात की अब चलिए दूसरे ग्रुप के पास चलते हैं। यहाँ पर फिलहाल तैयारी की जा रही है। सबके हाथ में गिटार्स है साथ ही साथ माइक भी है। ये बताओ कि क्या प्ले करोगे कुछ हमारे लिए। यू प्रिपेयर्ड समथिंग गुड फॉर अस। टू सॉन्ग्स वी हैव प्रिपेयर्ड पानी द रंग एंड होना था प्यार। अरे क्या बात है। इसका मतलब कि आपके कॉलेज में टैलेंटेड स्टूडेंट्स भी बहुत है राइट। या श्योर वी आर ऑल टैलेंटेड। So they all are talented. So is this the reason ki why your university is the number one in Gurgaon? Actually yes. So chaliye in logon ne aapke liye back to back do amazing se tracks prepare kiye hain. Aap enjoy kijiye inke tracks hamare saath masti ki paathshala ke saath. Yeah.
वेरी ऑसम, माइंड ब्लोइंग. आई एम वेरी श्योर जब आप लोग कॉलेज पास करके जाओगे तो ये जितनी मस्ती है, ये जो टाइम है, आपको हमेशा याद रहेगा, राइट? यस. तो चलिए एक काम करते हैं, ब्रेक का समय आ रहा है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले क्यों ना आपकी दोस्ती के नाम, आपके सब मोहब्बत के नाम जो एक दूसरे से आप करते हैं दोस्ती में ही, उसके नाम एक छोटा सा गाना डेडिकेट कर दिया जाए. और उसके बाद दोस्तों समय होगा एक ब्रेक का. ब्रेक पे जाने से पहले हम स्टूडेंट्स की तरफ से दोस्ती पर एक खास डेडिकेटेड गाना छोड़े जा रहे हैं. ब्रेक के बाद भी मौज मस्ती जारी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मस्ती की पाठशाला. तो रेडी? लड़कियों से बात करते हैं. अच्छा बताओ कि स्पोर्ट्स रूम में क्या क्या करते हो, मतलब सिर्फ गेम खेलते हो या गेम खेलते खेलते गॉसिप भी करते हो? गेम खेलते खेलते गॉसिप भी होती है एंड वी मेक फ्रेंड्स. यहाँ पे काफी नए लोग मिलते हैं, यू प्ले गेम. अच्छा पहले अक्सर हमारे टाइम पर अगर आप स्पोर्ट्स रूम में जाते थे तो लड़के ज्यादा दिखते थे, लड़कियाँ कम, लेकिन यहाँ पर लड़कियाँ भी इक्वली आगे हैं, इक्वली टैलेंटेड हैं. हमारे कॉलेज में बेसिकली लड़कियों को एनकरेज किया जाता है टू प्ले, स्पेशली देयर इज वन टेबल जस्ट फॉर गर्ल्स, सो दैट लड़कियों को भी मौका मिले आगे खेलने का. बिल्कुल, ताकि लड़कियों को भी मौका मिले खेलने का. तो ऐसे में हमारे साथ दो ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं, तो आप दोनों के बीच में एक छोटा सा टीटी कॉम्पिटिशन करा दिया जाए. तो चलो देखते हैं कि यूनिवर्सिटी की लड़कियां स्पोर्ट्स में कितनी आगे हैं. सो 1 2 3 है यू गो. लेकिन जरूरी यह है कि इनका पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा था. वाकई में आज की यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स की खास बात यह है, और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी की भी खास बात यह है कि स्टूडेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है, पढ़ाई भी होती है लेकिन मौज मस्ती करने का भी पूरा मौका मिलता है. तो ये तो थी स्पोर्ट्स रूम की बारी. चलिए अब चलते हैं यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में और देखते हैं कि वहां के स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं. चलिए तो अब हम आ गए हैं यूनिवर्सिटी के ग्राउंड्स में, जहाँ पे स्टूडेंट्स गोल्फ खेल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं स्मार्ट बनने की, कॉन्फिडेंट बनने की. अच्छा गोल्फ एक ऐसा गेम है ना जिसमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है और साथ ही साथ आप का टैलेंट दिखाने का अच्छा मौका मिलता है. इट्स अ गेम ऑफ मेंटल फोकस एंड वंस यू स्टार्ट हिटिंग द बॉल एंड वंस यू इन सिंक यू सडनली गेट कॉन्फिडेंस. Look at all the golfers, look at Tiger Woods, look at Phil Mickelson, look at all those. Those guys are geniuses. They end up designing courses and everything. So what happens is once you are in sync with the ball,
यू टेंड टू गेट अ लॉट स्मार्टर एंड लॉट मोर कॉन्फिडेंट। जी बिल्कुल, और शायद इसी वजह से क्योंकि स्टैंडर्ड बदल रहा है पढ़ाई का, फॉर्मेट बदल रहा है पढ़ाई का, तो अब जहाँ एक तरफ लड़कियों को मौका मिलता है स्पोर्ट्स सीखने का, वहीं पर स्टूडेंट्स को भी मौका मिल रहा है गोल्फ जैसे गेम सीखने का। तो सर, आप अभी स्टूडेंट्स की गोल्फ क्लास लेंगे, तो हम भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स किस तरह गोल्फ सीख रहे हैं, और साथ ही साथ ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सर जो शायद हर यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता। That's right, absolutely. I think this may be arguably just about the only university in the NCR which is having this kind of a facility. And there's so much of excitement among students that they all want to come and play. But we have a limited field and therefore we are putting just about 10 students exactly, at one point exactly, time. Exactly, exactly. And sir, यही जो वजह है कि आज हमारी टीम, दिल्ली आज तक की टीम पहुंच गई है आपकी यूनिवर्सिटी में। तो चलिए अपने दर्शकों को भी एक झलक दिखा देते हैं कि आपके स्टूडेंट्स किस तरह गोल्फ के प्रैक्टिस रेंज में प्रैक्टिस कर रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ITM यूनिवर्सिटी के सफर को आपने भी उतना ही एंजॉय किया होगा जितना कि हमने एंजॉय किया है। ITM यूनिवर्सिटी गुड़गांव से बस इतना ही। अगले हफ्ते एक नए कॉलेज के साथ, एक नई यूनिवर्सिटी के साथ हम वापस आएंगे और वहाँ के स्टूडेंट से जानेंगे कि उनकी पाठशाला है मस्ती की पाठशाला। अब बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिल्ली आज तक।